देश की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और आरएसएस पर बैन की मांग कर रहा है। केरल के कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा कि आरएसएस पर भी पीएफआई की तरह बैन लगना चाहिए, क्योंकि दोनों संगठनों का काम तो एक जैसा ही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी संघ पर बैन लगाने की मांग की है। लालू ने कहा कि संघ भी पूरे देश में हिंदू सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहा है, जो पीएफआई की तरह ही है, इसलिए इसे भी बैन करो। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं, इंक्लूडिंग आरएसएस, ऐसा पर प्रतिबंध लगाइए, एक रूपता लगे दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सब को बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मियर एसोसिएशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इनफ टू कन्विक समवन। ये जो ड्रेकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोल जमहूरियत चल रही है वो फासिज्म के करीब जा चुकी है, तो कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा